सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला राहुल गांधी पर गुस्सा कर रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये महिला कश्मीर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर गुस्सा कर रही है, और साथ ही यूजर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि राहुल गांधी को सब कश्मीरी पंडितों ने घेर कर सवाल किया। एक यूजर ने लिखा, विदेश में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने हवाई जहाज में यात्रा के दौरान राहुल गांधी को घेर कर सवाल पूछे कि वो कश्मीर के मामले पर मोदी का विरोध क्यों करते हैं। इसका कोई जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाया। राष्ट्रीय मीडिया शायद ही इस न्यूज को दिखा पाए। एक अन्य यूजर ने लिखा, कश्मीरी पंडितों ने राहुल गांधी को प्लेन में घेर कर पूछा, आप कश्मीर पर मोदी जी का विरोध क्यों करते हो। इस बेशर्म के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं इस वीडियो को ई ऑर्गेनाइजर के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट किया गया। वायरल हो रही इस वीडियो के इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले हमने गूगल पर सिंपल सर्च किया, जिसमें हमें ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली जिसमें लिखा गया था कि कश्मीरी पंडित राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को रिवर्स सर्च किया, जिसमें हमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट मिला, हाउ लॉन्ग इज दिस गोइंग टू कंटिन्यू, this is one of the millions of people who are being silenced and crushed in the name of nationalism. For those who accuse the opposition of politicizing this issue, Priyanka Gandhi ne journalist Arun Kumar Singh ke tweet ko retweet kiya tha. Arun Kumar Singh ke tweet ke according, Kashmir se wapas aate samay ye mahila Rahul Gandhi ko apna dard suna rahi thi. हम उनको देखना चाहते हैं कि वो इतने छोटे छोटे बच्चे जो टेंट में पाते हैं घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो जाते अगर एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं। हमारे मेरा भाई हार्ट पेशेंट है, वो अपने बच्चों को ढूंढने गया, उसको 10 दिन घर वालों को नहीं दिखाया कि वो कहाँ है क्या है। हम हर तरीके से परेशान है। मैंने अपने बाजू का अपने ट्वीट 24 अगस्त 2019 पे किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी 8 विपक्षी दलों के 11 नेताओं के साथ कश्मीर के हालात का जायजा लेने और वहां के नागरिकों से बात करने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। यहां प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सभी नेताओं को वापस दिल्ली लौटा दिया। इसी दौरान प्लेन में एक महिला ने राहुल गांधी को अपना दर्द सुनाया। इसलिए वायरल हो रही इस वीडियो के फैक्ट चेक करने से हमें पता चला कि ये महिला राहुल गांधी का विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें अपना दर्द सुना रही थी। इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स जो क्लेम कर रहे हैं वो असल में मिसलीडिंग है। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए डीफ्रैक्ट।